बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दरीम और आप देख रहे हैं AIS परदेसी। ठीक है, तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा, मैं अपने भाइयों के लिए कॉफी बना रहा था, तो आज मैं आपको देने लगा हूं कॉफी की रेसिपी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आए हम लोग कह रहे अपने दिल के अंदर सोच रहे होंगे यार कॉफी की रेसिपी देनी चाहिए इसे, तो मैंने आप लोगों के लिए कॉफी की रेसिपी अभी दे रहा हूँ। मैं कॉफी की रेसिपी, सबसे पहले आपको कॉफी मेड चाहिए था, कॉफी मेड चाहिए होता है, कॉफी चाहिए होती है, ठीक है, और एक बाउल, ठीक है, और आपको शुगर चाहिए होती है, जो कॉफ़ी मेड है, ठीक है, ये होता है ऑप्शनल, ठीक है। और ये बीटर ले सकते हैं अगर आपके पास बीटर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बीटर से अच्छा हो जाता है और जल्दी हो जाता है। चलिए ये रेसिपी को शुरू करते हैं। कॉफी हमने डाल लिया, अब हम लोग शुगर डाल लेंगे, वाटर डाल लेंगे, बस इसमें वाटर डाल लेंगे, आने से तब तक बीट करना है जब तक ये फॉर्म शेप में ना आ जाए, ठीक है। ब्लेंड करते हुए मेरे ऊपर छींटे पड़ेंगे, इसलिए मैं एप्रन पहन रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी नहाया, वैसे भी मैं ऐसा नहीं करता। अच्छे से ये ब्लेंड हुई जा रही है, अभी ये फॉर्म की शेप में आएगी, ठीक है, फिर आपको दिखाएंगे इसकी असल लुक। देखें ये सही असली फॉर्मी शेप में आ गई। कुछ लोग पूछेंगे इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये फॉर्मी शेप में आ गई है। इसे मैं जितना मर्जी ला लूँ ये नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। जब आगे कॉफ़ी नीचे चली जाती है, इसका मतलब ये फुल फॉर्मी शेप में नहीं आई कॉफ़ी, ठीक है। ये देखें, मैं इसे अच्छी तरह ला रहा हूँ, नीचे नहीं जा रही। आपको जितनी कॉफ़ी बनानी है आप उतना दूध डाल सकते हैं। मैंने अभी बस एक कप बनानी है, एक कप इस तरह डाल देंगे, ठीक है, और इसे अच्छी तरह बॉईल आने देंगे। जैसे कि आपने देखा दूध को बॉईल आ चुका है, ठीक है, इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। अभी कॉफी में थोड़ा सा डाल लेंगे, दूध डालने से पहले आपने कॉफी डाल लेनी है। अगर आपको मतलब कि स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद है, आप और भी कॉफी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूध डाल लेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी कॉफी, ठीक है। मैं इसे मजे मजे से पीऊंगा और एंजॉय करूंगा कॉफी में। हाय, तभी मैं अपनी कॉफी एंजॉय करने लगा हूँ। हाँ, एक और बात बता दूँ, अगर आपको शुगर थोड़ी सी कम लगे कॉफ़ी के अंदर, ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी कॉफ़ी बनी है, ठीक है, या आपने अपने घर पर ज़रूर ट्राई करनी है। अगर ना अच्छी लगे, अगर ना अच्छी लगी कॉफ़ी, तो पैसे वापस, ठीक है, मुझे दीजिए जानना। बहुत ज़्यादा हेल्प कर दुआ में रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। और AIS परदेसी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वाह।